सगती रही जीव पर बोला सारद ज्ञान पेटारी खोला तो काले नाही क्यों मोला नाही बाडू के हाथ में बिक्या आउ ना बिक्यानु केहू के हाथे हे महारानी नमो नमा ना बिक्यानु केहू के हाथे हे महारानी नमो नमा हर जीव भापे तोहर छाया यहाँ भवानी नमो नमा भागे अंदर अमर हो बानी नमो नमा अब झंडा लहराए गरीब बजरंगी सैलानी नमो नमा गंगा जमुना गोदावर सरजू के पानी नमो नमा गंगा जमुना गोदावर सरजू के पानी नमो नमा पहचानी नमो नमा धन लक्ष्मी बाई झांसी माँ उधरानी नमो नमा अब से खरिया सरदार भगत सिंह की कुर्बानी नमो नमा माधव का परिणाम ले जोड़े जुगपानी नमो नमा सीधा दुकानू सब भयन से हो मेहमानी नमो नमा अमर रहेगी दुनिया में उदल की कहानी नमो नमा तो गाई आज सुना बंसावल घूमे दक्ष राज के भावर नद जाए बिरहा के दावर माए दानवा एक दिन छोड़ी महल घर से भाए बंस
पहले पूरा बिरहा का रस समझ ला। बड़े ध्यान देने योग्य बात ब, आल्हा का तोमर वंश है। तोमर वंश में सबसे पहले राजा ब्रह्मचंद्र पैदा होते हैं। राजा ब्रह्मचंद्र से राजा कृपाचंद्र पैदा भय। राजा कृपाचंद्र से राजा अनुकुर पैदा होते हैं। अनुकुर से रहमल टोडर दो लड़कियां पैदा भय। तो रहमल के राजा सल्या पैदा होते हैं और टोडर के राजा वल्या पैदा होते हैं। सल्या वल्या जो दोनों भाई नौजवान होते हैं, इनके हाथ में राजभार आवा था। एक दिन दोनों जने राजभार छोड़ के जंगल में तपस्या करे चला गए। तपस्या करते करते जब दोनों जने आपन शरीर छोड़त हैं तो जाके एक गाय और बघनी के अवतार लेते हैं। लेकिन देखा गैया और बघनिया पहले जन्म में काव रहे। पहले जन्म में रही बिलरिया वही बघनिया रही मुसरी चूहिया बिल्ली काले आवई रोज खाना। पहले जन्म में गाय जौन भाई बिलारी रही, अब बाघनी जौन भाई मुसड़ी रही। तब बिलारी और मुसड़ी दोनों बड़ी गहरी दोस्ती रही। पर भैया दोस्ती थी इस समय जैसे बिलारी और मुसड़ी में हो तो सब ही जाना था। लेकिन ये लिखा ब तो हमारे गुरुदेव जी के लिखे के पड़ा। तब पहले जन्म में गाय जौन भाई बिलारी रही, अब बाघिन जौन भाई मुसड़ी रही। तो मुसड़ी रोज रोटी छोड़ा के ले आओ, बिलारे और मुसड़ी दोनों बड़े प्रेम से खात रहन। माया भगवान की, एक दिन वही घरे के मालिक खत्म हो जौने घरे में दोनों रहत रहन। वह दिन रोटी ना बनी, उपवास भा। आय की मुसड़ी कहा था कि आज काव लिया या तो रोटी ना बनी बा। बिलार कहा बिना खाए हमार भूख। तो देखे अब बिलार करत का ब, रोटी पायस ना बिलार तुरत मुसड़ी मार के खाए। दूसरे जन्म को भाई तैयार भवा मारा नवाना। अब रोटी ना पाए तो बिलार मुसड़ी के खाए डा रहा था। अगले जन्म में बिलार जोन में जाए के गाय की ओन में जन्म लेते, अब मुसड़ी जाए के बाघिन की ओन में जन्म लेता।
हर गाय के एक बछिया पैदा होता, अब बघिनिया की जंगल में एक बाघिन पैदा होता। एक दिन अपन बच्चा छोड़ के जब गाय जंगल में चराई जात है, माया भगवान की गाय अपन बच्चा भुलाई गई, बछिया बिना महतारी के रोवत फिरता। यहाँ जब बाघिन अपन बच्चा छोड़ के शिकार करे जात, वो शिकारियों का बाढ़ से मार देते हैं। यहाँ बघिनी को बच्चा बिना महतारी के हो गए, तो गाय के बच्चा बछिया वो रोवत रोवत वही बाघिन के बच्चा के लगे आवा था। अब देखे दोनों में दोस्ती कैसे होता। हाय हरे दुई नौ संगवान, हरे दुई नौ संगवान, गैया बाघिन के करी नवा दुई नौ संगवान। गाय के बच्चा बछिया बाघिन के बच्चा के लगे रोवत की आवत, अब देखे दोनों में दोस्ती हो गई। बिन देखे से चैन पड़ा ना, अरे बढ़ गई ईसन प्रीत, अरे गई है बाघिन का जंगल में, अरे गए दो दिन बीत, बीता सुख से बाले पाना मातुआ। बाघिन दोनों को बच्चा जब खेलते खाते काफी दिन नौजवान होते हैं, सुख से बीता बालापन दुनों कई आई जवानी, हरे ऐसन प्रीत कई रीति आई गई, अरे मालिक का मेहरबानी तरह जा दुनों के अवधाना माए कैसा गवा। बाघिन ऐसी मालिक की कृपा, दोनों एक साथ गर्भवती होते हैं। गर्भवती भय बाघिन गैया समय घड़ी नगी चान, अरे माधव राम विजय का झंडा हर मैं फिल्म लहरान, जन्म दुनऊ लाला नमाए कैसा गवा। भगवान की गाय और बाघिन दोनों के निश्चित समय से एक एक लाल पैदा होते हैं, लेकिन बड़े ध्यान देने योग्य बात बाब कि के पैदा है हर जन्म दोनों के लालन वही जंगल बीच में झार सुना, सल्ला वल्ला वही दोनों जब आलिए अवतार सुना, सल्ला जन्म गैया के अब ज्ञानी कनवा पार सुना। सल्या वल्या जोन जंगल में तपस्या करते करते आपन शरीर छोड़ दे रहन, राजा सल्या आई के गैया के पैदा होते हैं, राजा वल्या आई के बघनिया के, यानी बघराज और बछराज की एक जोड़ी बन जात है। लेकिन देखे इनके जीवन काल में आगे बीतत कैसे बा। गैया बाघिन के एक साथ जन्मे जंगल में औलाद, सारद धरा सीध पे हाथ, कर्मे कलम समारा करा जीव पे बा। अवकरा जीव बे बास सारदा सभा मोहि जय उजियारा, सोवत हो तो जागा सारद जागत हो तो ललकारा, माधव राम खड़ा दंगल माँ गले विजय माला डारा, माधव राम खड़ा दंगल माँ गले विजय माला डाला, माधव राम खड़ा दंगल माँ गले विजय माला डाला। अव आशीर्वाद दिहु जगदम्मा गंगा जी के किनारा, उठी कलम सनोन हाथ तर
के दिन पागुर कहत गाय तब बाघिनी मन में बिचारा। एक दिन बघराज और बछराज खेलते खाते जंगल में काफी दूर आगे निकल गए। गाय और बाघिन दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ के छहात है, तो गाय पागुर करा था, गाय के मुख से सफेद सफेद फेन गिरा था। अब देखें बघिनिया जब निगाह पड़ी तो अपने मन में क्या सोचा था, हर मन में सोचे लागी, हर मन में सोचे लागी बघिनिया ना जवान, मन में सोचे लागी बघिनिया ना से गिरा फैन। जब बाघिन चाटर बतो का स्वाद मिल गए, मन में सोचा था एकरे मुख से गिरा फैन जब इतना स्वाद देता तेकर मांस तो बहुत मीठी होए। अब बाघिन गाय से हंस के कहा था, अरे बाघिन कहा लागी, अरे बाघिन कहा लागी गैया से डांटी तो का खाबाइए ही दुनिया मांगा। गाय से डांट के कहा तो का खाब हम। गाय कहे देखा दोस्ती के नाम पे दाग ना लगावा, हमार लड़किया बछराज बाल रूप है वो ककरे डाल लगी। लेकिन बाघिन कहे बिना खाए तो का हम, तो देखा रोई के गैया कहत काब, अरे गैया कही, अरे गैया कही चुधवा पी आई ले लालन से कई ले मिलनिया नांगा। थोर कहम का मौका दे दे, जाइए पता लगे बछराज के दूध पियाई के आवत है तब तू हमका खाई डारा। ऐसे करार कैके बाघे के लगे गाय आओ तो लड़के बछराज के लगे। बछराज जब अपनी महतारी को रोवत देखें कहन माई काहे रोवत है, गाय के आंस गिरत बे लेकिन आवाज ना निकलता। लेकिन देखें बछराज रोई के कहत का है, बोले बछराज कर जोरी माता ताका हमारी ओरी तो का कवन बात कई थोरी बोला महतारी। आ माता काहे
अच्छे राज कहन माई काहे रोवत हाँ। तोर पर मुसीबत काब गैया के आवाज ना निकला लेकिन रोई रोई गैया कहा था गैया कहे रोई के बात लालन छूटत बाट साथ बाघिन खाए मार के मासुआत बारी यारी हाथ धोवा पीला आज ललनवा कैला माता से मिलनवा आखिर होई है सा बनवा तो हम कहे भैया हमार जन्म का साथी बाघिन हमका खाब दे प्रतिज्ञा कैले बा हम बाघिन से आज्ञा मांग की तोहका दर्शन देव दे दूध पियाए बदे आई है आज के बाद तोहका लाल महतारी के दर्शन और दूध दोनों न मिले जब इतना सुनन तो बछराज रोई के का कहत है बछड़ा रोई कहे कैसे जीबई बोला के कर दुधवा पीब तोहरे साथे प्राण गवाऊ बैखई के करियारी तोहरे आ तो से गवन भूल भाई माता बाघिन बन गई जीव कई घाता सारी उम्र बीत गई साथी आज फटकारी कहे भैया बिना खाए हमका बाघिन छोड़े न ई बहना हमार मौत रही लाल बछराज के हम आई अपनी गलती के जाए की माफी मांग ले बाघिन से हमका बिना महतारी के ना बनो लेकिन गैया रोई के कहा था हरे कहानियां खत्म हो गए लालन हरे कहानियां खत्म हो गए लालन फेरी उठा की समद पे पानिया कहानियां खत्म हुई गे लालन गैया रोई रोई अपने बछुआ के समझावा था अब कहत काब अब ही नादान रहे हमरा ललनावा अपने बछुआ के समझावा था अब कहत काब क्यों ना हमार दे के करी दोहाई
ब्रह्मा गई डोली गई कलमिया कहानिया खत्म हुई के भैया गाय इसी तरह से अपने बच्चा के समझावा था लेकिन आगे देखें और कलम डोल गए ब्रह्मा के होनहार बलवान सुना दूध पिला लालन को गैया आगे का दस्तान सुना दूध पिया अपनी माता के बछड़ा जब आघान सुना माता से पुत्र मिलान सुना पीके दुधवा महतारी के बड़े जोर चिल्लान सुना गाय के स्तन से दूध पी के जब बछड़ा जल खराब है गाय के है लाल आज के बाद तो का महतारी के दर्शन ना मिले ना दूध मिले अब देखें ऐसे कहके गाय अपुआ का खवावे बदे बाघिन के लगे रवाना होता अहर बछराज रोवत की बाघिन लड़किया बघराज के लगे भाग जात है लेकिन यहर बघनिया इंतजार करत बाकी ऐसा न हो गैया कह के धोखा दे जाए लेकिन बड़े भैया हाय बछड़ा गवा दूध ज पी के बाघिन कही गाय से हंसी के बछराज गए तो से मिली के अब तो खाई दे तू हम मैया अपन माँ बघनिया कहे तो दूध पिया के आई गे अब तो का खाब हम कभी वही गए जो लिख कर शायर लिखे शायरी पढ़कर होता हो नहार सब होकर देखा बाघिन के पंजे में फंसी गा और फंसी गाय बाघिन के पंजे में पहल कसरी जब काढ़ा है शायर माँ तो राम के चेला याद सब में ठाड़ा है थर 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 सैदी का पहला माग का जाड़ा है पहुंचा बघलाल लग बेहबल पड़ा बेचारा है बाघिन जौन बब उ गाय के खाई डारा था अपने पिछले जन्म के बदलाई पूरा कैले थे जबकि पिछले जन्म में गाय जौन भी है बिलारी रही अब बाघिन जौन बा यह मुसड़ी रही यह हर तो बदला पूर्व हो गए यहर बछराज भागत भागत पहुंचन बाघिन लड़किया बघराज के लगे रोवत की जब बघराज देखे कहन का भैया काहे का रोवत है तोरों पर मुसीबत का अब बछराज कहन भैया का बताई तुहार तो माई हमारे माई के खाई डाले बघराज के विश्वास ना होता कि जहां पे इतनी बड़ी दोस्ती वही इतना बड़ा धोखा लेकिन खतरा मित्रों हमेशा दोस्त से होते दोस्त बाम छिप के काटा थे यह ना थे बछराज बघराज से रोई रोई कहते हैं
कोपी जाई तोरी मा तारिया कोपी जाई तोरी मा तारिया कार दिलिन प्यार कर सरिया बात गाल बछराज बघराज से रोई रोई कहत हैं के गरी माई के माई कहबई हरे के बदूध पियाई अरे तोहर नियारी में महतारी अरे अपन जिया त गवाई छोड़ लीन गाले कई मोहारी आकार दिलन प्यार कर सरिया छराज रोई रोई समझावत है यही कारण से भैया हमारे बहन अन से पानी अरे मीन महतारी कैसे जीबई अरे खोई जब जिंदगानी मार ले भाई गले पे कटारिया कार दिलन प्यार कर सरिया बघराज की विश्वास हो इला की मजाक न हो जना बात सही है का है अब देखें बघराज के क्रोध लगाता तो करत का है ये तो ना सुनते बघराज के दोनों नैन भय लाल अरे बेदर्दी महतारी तई अरे केहर तन के ख्याल फरा अमृत पेड़ कारी यारी आकार दिलू प्यार कर सरिया भैया बघराज के विश्वास भर क्रोध से पागल हुई कि अपनी महतारी बाघेन से पूछे बदे जात है अब जाए अपनी महतारी बाघेन से बघराज का हक कहा है सुन के बघलाल सा बात पहुंचे महतारी के पास आगे खड़ा भाई उदास भाई नजरिया ना घराज क्रोध से पागल पहुंचे अपनी महतारी बाघन के लगे कहन माई बछुआ के माई कहां गई बाघिन अपने लड़का के घराज को ऊपर से नीचे तक निहारत कि किस हमार बेटा हुआ बहुत खिसियान आवाता कहे बोल बछुआ के माई कहां गई बघिनिया सारी बात जान के देखा अपने लड़का बघराज से कैसे झूठ बोलाता बाघिन कहा कि हम ना जानी गैया हमसे ना भेटानी काहे की है इस गलानी फिकरिया ना से बाघिन कहे भैया आ तो हमें हमसे गैया से भेंट ही ना आए भाई लेकिन बघराज का कहते हैं बोले बघलाल फटकार दिहले तू गैया के मार हमसे करते है इनका लागे डरिया ना करते है इनका लागे डरिया ना हार
से पागल कहन गाय के मार के खाए गए। हमसे झूठ बोला थे, हम गाय के बदला तो से ले अब अपने भाई के नाता निभाओ। वाह भाई वाह, जानवर की दोस्ती देखें कितनी कठिन दोस्ती जानवर के। आज एक इंसान इंसान में ना पटाता, एक इंसान के बगले बैठे ना चाहता, अब बैठते हो तो डर लाग पता ना कौन के बम ले भैया। बघराज कहन हम बिना तो का मारे छोड़ब ना, हम गाय के बदला ले तो से। अब ऐसे के देखें बघराज करत का है, ऐसे बघल हल कहलाए वार माता पे चलाए, चीर बाघिन का बहाए या टंगारिया नार। बघराज अपनी महतारी बाघिन के मार के पहुंचे जहां बछराज बैठा रोवत रहे, जाके उनका गले से लगाई के रोवत है। भैया रोवा जिन आज संसार के अंदर दोनों जने बिना महतारी के हो गए, लेकिन बघराज बछराज के समझावत है। बघवा बछवा को समझावा भैया दूर चरे जिन जाया, मौका पड़े बुलाया या वैदी के दरिया मार। बघराज कहन तू शाकाहार या जंगल के घास पात चरबे, अहम मांसाहार या शिकार करब, दुनिया ने भोजन अलग अलग बा, अगर जंगल में तोहका कौन मुसीबत पड़े तो हमका बुला लिया। बछराज कहन भैया जंगल में शिकार के तलाश में तो बहुत दूर चला जा, हमारे ऊपर मुसीबत पड़े हम तोहका बुलाई अब सुनबाई नहीं करे तो का करब हम। तो देखें बघराज उपाय का लगावत है, एटे घंटी लाया बाघ दिया बछड़ा के गले में बांध, बोलाई है बजाया पारे दी के दरिया ना। बघराज एक उपाय लगाएं, एक घंटी ले आए के बछराज के कटाई में बांध दें, कहें भैया जब कौन मुसीबत पड़े यही बजाया तू एक आवाज सुन के आई जाब हम। बघराज समझाए के चला गए, दो चार दिन बीता। बछराज एक दिन मन मन का सोचा था, एक दिन बछड़ा के मन आई ले भैया का यजमान, देहलन घंटी बजाई दोपहरिया मां। एक दिन बछड़ा सोचा था नहीं देखी एक का बजाय भैया हमारे आवाज है कि एक का शेर भरे का हमका ढोवाइन के बा। यही सोच के एक वृक्ष के नीचे खड़ा हुई कि लागन हो घंटी बजावई, और घंटी का आवाज सुन के बाघ चल पड़ा। अब पहुंचा कहा था,
सुन के घंटी कई आवाज आके आगे पहुंचा बाग बोला कवन पड़ी बातों दी के देरिया ना बछड़ा सोचा था नहीं देखी एक का बजाए भैया हमारे आवा थे एक शेर भरे का हमका ढोवाइन के बा यही सोच के एक वृक्ष के नीचे खड़ा हुई कि लागन हो घंटी बजावई अब घंटी का आवाज सुन के बाघ चल पड़ा अब पहुंचा का कहा था सुन के घंटी कई आवाज आके आगे पहुंचा बाघ बोला कमन पड़ी बातों दी के देरिया बछराज कहन भैया हम तो का आजमावत रह देखिए का बजाए पे आवत है कि नहीं लेकिन अब हमका विश्वास है ये कि जरूर जरूर मौके पे पहुंचवा भैया लेकिन बड़े भैया पारा यकीन हृदय माँ हमारे तो है लीन अजमाय सुना कहाई बाग यस कबव की है जिन खाबा धोखा बघराज कहन कहो भाई हम ऐसे जान के नहीं आई अ तोरे साथ कोनो धोखा हो गया तो कहाँ पाओ भैया हाँ जोर तो ही भाई ऐसा गलती अब कबों की है जिन बघरा समझाए के चला गए दो चार दिन बीता बछड़ा सोचा तहन की एक जंगल में रहत रहत जान उगी गे रज के हम दूसरे जंगल का आनंद ले ले हाय अब पड़ा यकीन है दे माँ हमारे तो लीन यजमाय सुना कहा बागी कब की है जिन खाबा धोखा भाई सुना एक दिन कई हाल सुना जब पड़ी मुसीबत आय सुना जाल लगाए सुना फसा जाल के बीच बछड़ा घंटी दिए बजाए सुना घंटी सुनते चला बाघ पर रहियम गायर झाए सुना बघरा जब दूसरे जंगल में प्रवेश बछड़ा जब दूसरे जंगल में प्रवेश करत है माया भगवान की दूठे बहेलिया जाल लगाए के शिकार के ताक में बैठा है ऐसा दुर्भाग्य बछड़ा चरते चरते हुई जाल के अंदर जाए के फंसी है अब वही लागन घंटी बजावे जब घंटी बजावत है घंटी का आवाज सुन के बाद चल पड़ा भैया लेकिन देखें आगे का होता बछड़ा फंसा जाल के बीच बहलिया लिया जाल को ही सही दी गए पसीना से भीज ज्ञान सुने पे आवत है ऊंच और ज्ञान सुने पे ऊंच किया वही लाग जाई जैसे घर का हाल सुनाया बछराज का जाय जलवा में अटका ठंडी लगा बजा वही बछड़ा सुनत बाघ फौरन झपटा देर भाई बछड़े का काल रहा चटका चीर फारी डारे बछड़े को दोनों बहलिए बेधर का दोनों बहलिया बेधर का बछड़े को जान से है मारा कहा बाग हम माफ करब जो चिता करायक बघराज के पहुंचे में लेट हो गए त
तब तक दोनों बहेलिया बच्छराज का गर्दन काट दहन, हड्डी मांस पसली सब अलग अलग कई दहन। ऐसे मौके पर जब बघराज पहुंचन, अपने भाई की दशा देखते पगलाएंगे। दोनों बहेलिया के ऊपर टूट पड़न, जिसे हमारे भैया को मार दी है वैसे तोहार सब प्राण हम ना छोड़ा। दोनों बहेलिया लागे हाथ जोड़ के गलती का सुर माने, हमसे बहुत बड़ी गलती है, हमारी गलती माफ कर दे, माफ कर दे हमारी गलती। बघराज की आंख से आंसू गिरता, कहन माफ कर देव, लेकिन एक बात बा, हाय बघवा कहे देव हम छोड़ लकड़ी ले आवा बटोर, सुंदर चिता बनावा जोर के जंगल में लकड़ी, सुंदर चिता बनावा जोर के जंगल में, वाह दोस्ती से ले आए, सुंदर चिता बनाए जोर के जंगल में लकड़ी, सुंदर चिता बनाए जोर के जंगल में लकड़ी, सुंदर चिता बनाए जोर के जंगल में लकड़ी। हाय गोद में बछड़े को बैठाई, बैठा बाघ चिता पे जाए, नीचे अज्ञात है छुआई आंसू नैनन में भरी, घराज कहन तोहका सब छोड़ लेकिन एक शर्त पर। पहलिए कहन बोलिए, कहें जंगल से लकड़ी बटोर के लावा, अरे चिता बनाई दे, वही पर अपने भाई के लाश लेके हम जल जाब। दोनों बहेलिया जीव दान पायन, जंगल से लकड़ी बटोर के लावा थे, एक सुंदर चिता बनाई दहन। बघराज अपने भाई बच्छराज के हड्डी मांस पसली के गोलिया के कोरा में ले लेहन, वही चिता पे बैठा थे। और दोनों बहेलिया अपने किए कर्तव्य पछतात हैं, देखा ये पशु हो के कितना ऊंचा कर्म करते हैं, हम इंसान हो के शैतान का काम करते हैं। तब भैया गोद में बछड़े को बैठाई, बैठा बाघ चिता पे जाए, नीचे अज्ञात है छुआई आंसू नैनन में भरी, तन का आए शिव जी वही समय में आए, गौरा बोली वही घड़ी, वही समय में आए गौरा बोली वही घड़ी, गौरा कहा जोर के हाथ के कर जलत है लाश, बोला बोला भोला नाथ ये जंगल के भी तेरी, बोला बोला भोला नाथ जंगल के भी तेरी, बोला बोला भोला नाथ जंगल के भी तेरी। भैया दोनों बहेलिया पांच फेरा गोड़ की चिता में आग लगाई दहन, और रोवत के अपने अपने वतन के जात हैं, और देखें बघराज और बछराज वह चिता को ऊपर जलत हैं। माया भगवान की वही रास्ते से शंकर जी और पार्वती रास्ते से आवत रहन, पार्वती कहे भोलेनाथ ये देखा जंगलवा में धुआं कहां से निकल रहा था, भोलेनाथ कहा यही बदे तो कहा मृतलोक में लिया ना आवत रहे, ऐसे देखा चला छेड़खानी ना करा। लेकिन पार्वती जी दिया गये अब पहुंचे थे वह चिता के पास, तो कहत का है, हाय पहुंची पार्वती वही जाई, जहां जलत रहन दुई भाई, उमा कहा गिले जी आई माना बात है मरी, ये मर जाए तजी आई लाय अमृत कई गे गरी, ये मर जाए लाजे आई लाय अमृत कई गे गरी, ये मर जाए लाजे आई लाय अमृत कई गे गरी। हे पार्वती कहे भोलेनाथ इनका जिंदा करा, हम देखत के हैं ये बियाबान जंगल में जवन जलत है। भोलेनाथ कहें तो कल आई आई के पहता था, एक गगरी अमृत ले लो, आज जितना धरती पे मरा है एक ओर से जियावत चला। त्योहार भला भाई हम परेशान हो गए तो से।
पार्वती लागिन गोर धरे लौट गए भोलेनाथ के चरणों में। भोले बाबा इनका जिंदा करा, हम देखत के हैं। पार्वती के जिद के सामने भोलेनाथ हार गए, अब करत का है। हाय तहां थे गंगा जल उठाई, शिव जी फेंके चिता पे जाई, जिंदा हो गए दोनों भाई, देखा मानुष तंधरी। बघराज बछरा जी जिंदा हो गए सामने, जब साक्षात शंकर जी के पायन लागे दोनों भाई पैर पकड़ के, भाई कहा भोले बाबा हम का सब मनाई बनाई दी है, बतावा का खाई कहाँ जाई हम सब। तो शंकर जी का कहत है, बोले शिव शंकर भगवान का है का बाटा घबरान, तो का मिल जाए ठेकान विपति बिछरी। भोलेनाथ कहन देखा तुहार से तपस्या पूर होई बा, थोड़ा समय अबर ही जंगल में बितावा। एक समय में महोबा नगर का राजा परमाल यह जंगल के अंदर शिकार खेले ये हैं, दोनों जने उन्हीं के साथ है जाब, अब बहुत प्रतापी राजा होगा। इतना वरदान दे कि शंकर जी अंतर ध्यान है ये, अब बघराज बच्छराज अब वही जंगल में लावारिस लागे समय बितावई, अब इंतजार करते हैं कब राजा परमाल शिकार खेले आवा थे, कब हमका महोबा जाए के अवसर। तो देखे एक समय में अब राजा परमाल कैसे शिकार खेले जात है। सज्जनों सुनिए करके ख्याल, बंसावल ग्रंथ की हाल, नगर महोबा के परमाल एक दिन खेलन की तैह चले सिकार। अब खेलन चले सिकार, सजाए संगमा हाथी घोड़ा है, चले महोबा के राजा जे करना जग में जोड़ा है, कते सिपाही बरछी भाला घोर सवार को छोड़ा है। भैंसा लड़के बहुत गए जिदिया सुना, और परमाल की बीरन से बोले के उदयन है छोड़ाई सुना, दात हिल जैसे बीरन के तुरंत दिए नहीं आई सुना, दछरा दिया बछरा तब खड़ा भय अंग्रिया सुना। छूट लड़ाई गई भाईसन के परमाली
जहर साई सुना, दुनिया जन से पूछन लागे बतलाओ दस्तान सुना, किसके लड़के हो तुम दोनों यहाँ पे पहुँचे आई सुना। अब इतना सुनते दोनों भाई बता दिए विस्तार सुना, ना माई ना बाप मेरे जंगल मा जन्मे आए सुना, बहुत खुशी दे पर मालिक तब साथे चले लिया सुना। बड़के भैया राजा परमान जब जंगल के अंदर शिकार खेले जाते हैं, देखा तो है दो भैंसा ऐसा लड़ गया है, जान पर एक वह का एक जान से मार दे। अब अगर नौजवान भैंसा से भेंट हो गया तो देखा राजा परमाल अपने सेना नायक महारथिन का आदेश देहन कि भैंसा की लड़ाई छुड़ाई दे। राजा परमाल सेना नायक महारथी से फेल हो गए, तब तक दक्षराज और बछराज हुई झाड़ी से निकले नाई छत के, कहन हमका हुकुम देखा। राजा परमाल जब आदेश देहन, दक्षराज बछराज दोनों जने दोनों ओर से भैंसन के पूंछ पकड़ के घींच लिया है। राजा परमाल के पलकन भजत, बाप रे बाप जितनी शक्ति मरपुर सेना में ना इन अरे उतनी तो दुइये जवान लेके बैठा है। राजा परमाल सोचत है कि ये दोनों जान हमारी सेना में भर्ती हो लायक है, परिचय पूछा तहन कह लावारिस मालिक ये जंगल में मारा मारा फिरे थे। राजा परमाल कहन हमारे साथे चला हमारे भवन में रहा। अब राजा परमाल बघराज और बछराज के लिए आई कि महोबा में जाते हैं भैया, तो पहुंचे परमालिक दरबार, संग में लेके राजकुमार, कहाँ है रानी से समाचार सब यार था के। इनका देखे मन हमार गावा लाल चाय के, हार भारी वीर दोनों भाई साथे हम आए लिया, जोड़ी जंगल वासे लाई बाटी पाल झाई के। राजा परमाल के दरबार में भवन में बघराज और बछराज जीवन व्यतीत करते हैं। राजा परमाल सोचत है कैसे बलवान के बाद ना हमारे बाद नहीं के राजभार संभाल पड़े, लावा इनका सबके चार अक्षर पढ़ाई दे। तो राजा परमाल अब दोनों जने के देखे विद्यालय भेजत है, तो राजा दोनों को समझाई विद्या पढ़ने को पठाई, सैयद चाचा गए भेटाई साथ पढ़ जाए गए। अरे जिया भैया हाँ सैयद चाचा गए भेटाई, सैयद चाचा गए भेटाई, सैयद चाचा गए भेटाई साथे पढ़ जाए के। हार हो गई तीनों जन्मे यारी विद्या पढ़ने में होशियार, तीनों जने बिगारी एक दिन झगड़ा हुई मचाई। सैयद कहाँ कराना झगड़ा, चल के इंसाफ करावा काना उज में जाए के। जवने स्कूल में बघराज और बछराज पढ़ाई जाते हैं वही ने स्कूल में सैयद पढ़ाई आवत रहन, अब तीनों जने चंठई रहन, बड़े झगड़ालू रहन, बड़ी गहरी दोस्ती है ये, आज ज्यादा दिन चली है, एक दिन बड़ा जोर झगड़ा हो गया। सैयद कहा देखा ये बात फैसला चला कनौज में राजा जयचंद के द्वारा हो, ये नाते तू सब राजा परमाल खिया रहा भाई करा तो है हमार उचित फैसला।
अब देखें, अब तीन जने वहीं से अब कनौज के चल पड़े भैया। और राजा दे है नेवटाई साफ करावा जाई के, जितना सुनते तीन जने चल पाए गुआई के, जितना सुनते तीन जने चल पाए गुआई के। तीनों जने सलाह कर चला जाते हैं। तब तक एक चरवाह मिला, कहा इतना न्यायी राजा परमाल है, उनसे ना फैसला करे तो जाता है कनौज राजा जयचंद के लगे। अब तीनों जने लागन विचार करे कि अभी चरवाह हो के कहा था तो लौटा यहीं से, अब चला देखे राजा परमाल कैसन फैसला करे थे। अब तीनों जवान अब वहीं से लौटा तहन राजा परमाल के दरबार की तरफ चल पड़े भैया। और राजा दे है निबटाई साफ करावा जाई के, जितना सुनते तीन जने चल पाए गुआई के, जौनी समय में पहुंचे भैया याद याद गैया के। फाटक बंद रहा महबा के याद याद गैया के, सैयद कहा आराम करा भोरे ले निपटाई के, तीन जन फाटक पे समय महबा लूट करिया सिंह पहुंचाई के, मारो गर करिया के किस्सा दे बैयाज बताई के, मारो गर करिया के किस्सा दे बैयाज बताई के, मारो गर करिया के किस्सा दे बैयाज बताई के, मारो गर करिया के किस्सा दे बैयाज बताई के। दक्षराज बछराज सैयद तीनों जने के महबा पहुंचे आधी रात हो गई। सैयद कहां अजूनी फाटक पे लेटा, अराजक से दुखो पड़ी रहे, हमार तोहार पहली फाइल रहे। बड़ा सुंदर फैसला हो, दक्षराज बछराज सैयद तीनों जने वही महोबा करके फाटक पे लेट गए। नींद आई कि सोवत है, लेकिन वही रात में मारोगढ़ का प्रताप नरेश करिया सिंह वो महोबा लूटे बदे आवा था, लेकिन का करे बदे महोबा लूटे आ रहा। जाहिर जड़ से सुनो कहानी, मारोगढ़ करिया के राजधानी, जोधा रहा बड़ा अभिमानी, जेकरे नाम से जहान कांपे। और जेकरे नाम से कांपे दुनिया, मारोगढ़ के करिया है केक परैना, देख परैना के जग में मारो पत्य बरबरिया है, चला नहाने गंगा संगम लिए बड़ी लश्करिया है। माँ बहन रहन करिया कई जम्बे राज कई घरिया है, ऐसन रूप रहा ब्रजमा के जैसे आसमान की है। स्नान का बहुत बड़ा पर्व लगा रहा, करिया सिंह सेना साज के मेला की तैयारी कर रहा था। करिया सिंह बहन रानी ब्रजमा रही, अब ब्रजमा के जीव ना मान बजाय सखियन से मिल के बात का करते हैं। हाय ब्रजमा जाय सखिन से बोली, गुइया तुरंत सजावा डोली, संग में चला नहाय सहेली हमारी मसतानी। हार सखिए सज के भइन तैयार, ब्रजमा करन लगी श्रृंगार, करिया पहुंचा वही ठार गावा पहचान। सखिया सजी तुम्हारी कहाँ ये गुआनी, सखिया सजी तुम्हारी कहाँ ये गुआनी। हाँ ब्रजमा कहा सुना है भैया बाती, हम गंगा नहाई संग में जाए हमारी गुइया कावन परेशानी। यार जब रानी ब्रजमा सज के तैयार होता,
तब तक करिया सिंह पहुंचा, कहे ब्रजमा कहां तैयारी बा। रानी ब्रजमा कहे भैया हम गंगा जी स्नान करे बदे जात है, कवन परेशानी बा, अकेल ना जाते सब सखियन के साथे जाते है भैया। अब इतना सुन दे करिया सिंह जर के अंगार हो गए और कहत का अब करिया जर के भाई अंगार, ब्रजमा बोलू बचन संहार, भैलू मेला के तैयार क्यों ना दानी। मेला जाइन दे भाई तो का चुपके बैठ रहा तू घर में, तब हूँ जाय नहायू गंगा काहे जी दियानी। करिया सिंह बोला ब्रजमा खबरदार तो का मेला जाए के आदेश ना ही दे। कहे भैया तब कहा हम मेला तो खजान देव। ब्रजमा बोली भैया मेला ना जाय देव ठीक बा, लेकिन एक हमार तब शर्त बा। करिया संग बोला बोलिए बहन क्या शर्त है। तो देखें ब्रजमा कहता, ब्रजमा बोली बचन संभाल लाजा हम नौलखा हार, जानी भैया यहाँ हमार वीर बरदानी। ब्रजमा कहे भैया असली छत्री की पूत हो, तमका मेला सनौल का हार लेता है, अब अगर हार ना लिया तो मारम मुंह दिखावो। अरे बाप रे इतनी बड़ी प्रतिज्ञा। तो लेकिन करिया सिंह स्वीकार कर लेता और करत काब। हाय करिया फौज कह तैयार, पहुंचा मेला के मझार, घूमे मेला के बाजार भैया माना माने। हार चौमुख ना काली तहाई, कतहु हार न परा दिखाई, माहिल मामा गए भेटाई पूछे नर्म बानी। करिया सिंह मेला के अंदर नौलखा हार खोजत परेशान हो जाते, लेकिन केहू के गले में नौलखा हार देखत ना है। करिया सिंह बड़े चक्कर में पड़ा, बहन ब्रजमा से करार के आई है, अभी तो हमका बड़ा मुश्किल दिखात है। तब तक ओराई नरेश मामा माहिल से मुलाकात हो ये। माहिल कहन करिया सिंह कैसे बड़ा गमगीन नजर आवा था। तो देखें करिया सिंह कहत काब, बोला मारा पद सरदार, ब्रजमा से की है करार, लव भाई तो है नवलकार के नादानी। हार चौमक ना काली तहाई, कतहु हार न पड़ा दिखाई, माहिल कहाँ लिया वा जाई हार माना मा। भैया माहिल बोला नौलखा हार बदे परेशान है, हार हम बताओ तो है जाए के लावा। आल्हा खन में चुंगली का श्री गणेश ही से माहिल को होता। आल्हा खन में पहली चुंगली माहिल, एकरे आगे तमाम तमाम चुंगलिन चुंगली बा, लेकिन पहली चुंगली देखा है माहिल के करे गले का हार बतावा था। आ मल्हना रानी की गटई माया नवलखा हार सुना, आधी रात चढ़ा महबा पे लवा नवलखा हार सुना, कितना सुनते बहुत खुशी भय मारो का सरदार सुना। सगिन बहनिया मल्हना ला गई नाता दिया विचार सुना, चुगली गई के मामा माहिल वरई पहुंचे। भैया माहिल
बोला राजा परमार के धनपत्नी रानी मल्हला के गले में उल्का हार बा, आधी रात के समय महोबा पे चढ़ाई कर हार लूट के ले जा अपनी बहन ब्रजमा के देते। अब बताओ रानी मल्हना माहल के सगाई बहन रहे, अपने गले के नौलखा हार, अपनी बहन के गले के नौलखा हार करिया सिंह बतावा था। जब इतना सुराग पायस करिया सिंह तकरत काब हाय अरे हाल ने, अरे हाल ने चला तियारा नौजवान, हाल ने चला तियारा हथियार चला जम्बे का पूत साग से नाली है ये परंपरा नांगा, अरे आधी रात कई बेला रही पाक घेरे रहा ये धियारा नांगा, अरे हाथी भिड़ा दिया फाटक पे पाजी को बिगवा जम्बे दुलारा नांगा, दक्षराज बछरा सैयद यह रूही मोहबा करके फाटक पीर वही रात में अपने बात का फैसला कराए बदे लेटा है। हाँ। यहाँ करिया सिंह सेना साज के पहुंचा भैया, अजब घोड़न के टापो की आवाज अबीरों की गनगनाहट जब इनके तीनों जने काने में पड़े। हाँ। ये सब जाग गए अब देखा था तो कहत का है। हाँ। अरे तीनों जने, अरे तीनों जने तो विचार करे लागे चल के नी दुश्मन पछारा नांगा, अरे दक्षराज बछराज सैयद उठे जाई करिया को है ललकारा नांगा, अरे तीनों जने में लड़ाई शुरू हो गई भाई लाग खुनवन के धारा भैया। दक्षराज बछरा सैयद करिया सिंह वह सेना के साथ जूझ गए लेकिन परिणाम का निकला था। हर बहला खुनवन के धारा भगमार के जान सुना, बहुत सिपाही करिया के भय महबा में नुकसान सुना, भगा करेंगा सेना लेके सबके टूट गुमान सुना, पछताई सुना हार नौलखा की तैया करिया गुजरते तूफान सुना, करे दगा महबा में आके आगे का बलवान सुना, भवा सवेरा फाटा खुल गया उठे चढ़ेला जवान सुना, पड़ी सैकड़ो लाश सामने देखे जो सुल्तान सुना, तीनों जन से पूछन लागे बतलाओ दस्तान सुना, भैया दक्षराज बछराज सैयद तीनों जने करिया सिंह वह सेना के साथ जूझ गए लेकिन अंत में करिया सिंह सेना लेके भाग खड़ा भा, बहुत बड़ी सेना को नुकसान भा। यार करिया सिंह प्रतिज्ञा करके जात कि जमन ई तोहरे कारण इन उल्का हार ना पावा था, एकर बिना हम बदला है छोड़ब न, वही आगे जाए के माड़ागढ़ की लड़ाई में करिया सिंह पूरा कहे बा। लेकिन यार सवेर हो दे फाटा खुला, हाय भवा सवेरा फाटा खुल गया उठे चदेला जान सुना, पड़ी सैकड़ो लाज सामने देखे जो सुल्तान
दास्तान सुना, तीनों जन से पूछन लागे बतलाओ दास्तान सुना। बता दिए बिस्तार सुना, बहुत दुखी दबे पर मालिक तब गए मालक दरम्यान सुना। हाल बतावा लेने मलहना से सुन रानी घबरान सुना, हाल बतावा लेने मलहना से सुन रानी घबरान सुना। राजा परमाल जब निकलन फाटक के सामने तो मामला सैलास, राजा परमाल घबराई गए। अहा दशराज बछरा सही है, तीनों जने वही मुहारक बैठ के समथात हैं, आराम करते हैं। और जब सारी हाल जब जान पाए राजा परमाल दशराज बछरा सैयद से, तो जाय के रानी मल्हना से बतावत हैं, तुहार भाई माहे चुंगली के रहा और तोहरे गले के नौलखा हाल लूटे बदे करिया सिंह आए रहे। इतनी बात जब रानी मल्हना सुना दे हमार भाई दुष्ट माहिल हमारे साथ जब ऐसा धोखा करा था, तब हमारे दो बहन कनकाई और देवला कुमारी हैं, तत्काल हो रही पे चढ़ाई करा हर कलाओ जो के साथे शादी कर दे। राजा परमाल और चढ़ाई कही की अब दो जने के हर कलावत है। कनका भी है बच्छ राज संसर सागर मिला मुकाम सुना, अब दिवला भी है दक्ष राज संग महबा में मिला। रानी कनका के साथ ही बच्छराज के साथ कही की इनका सिरसा गर्म रख देते हैं जैसे नहर मलखान पैदा है। यही ना दे कहा थे मौसी के बेटवा मलखाना। रानी दिवला के साथ ही दक्षराज के साथ कही की इनका महोबा में रख लेते हैं जैसे आल है और उधर पैदा है। लावा पर छह मामा माहिर जाने सकल जहान सुना, खत्म होत बाबन सावल जय पवन पुत्र अनुमान सुना। हाय स्वामी हो जा दहीने पे तैया, अरे सूरसती मर मैया खेवा गुरु कई हमारे नैया, नैया खे के लगा देवही पा।